पलवल के सरकारी अस्पताल के समीप फॉरनिक्स हॉस्पिटल अपनी सेवाएं निरंतर लोगों को दे रहा है। फॉरनिक्स हॉस्पिटल में बाद उन्होंने पलवल के लोगों को सेवाएं देने के लिए अब पलवल में फॉरनिक्स हॉस्पिटल की स्थापना की है। अब दिल्ली की सभी सुविधाएं फॉरनिक्स हॉस्पिटल पलवल में उपलब्ध हैं। वहीं डॉक्टर पिंकी द्वारा स्किन केयर के लेकर सभी तरह के रोगों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर पिंकी द्वारा चर्म रोग से संबंधित मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर पेंस ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल के लोगों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ना जाना पड़े, इसलिए फॉरनिक्स हॉस्पिटल के नाम से पलवल में लोगों को सेवाएं देने के लिए इस हॉस्पिटल को खोला गया है। अब कान नाक गले व चर्म रोगों से संबंधित मरीजों को बड़े हॉस्पिटल में व बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी तरह के रोगों का सफल इलाज फॉरनिक्स हॉस्पिटल पलवल में उपलब्ध है। नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस है। मैं MBBS MSc NT हूँ। दिल्ली से आता हूँ यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। दिल्ली में हमारा एक क्लिनिक है फॉरनिक्स नाम से, उसी की ये ब्रांच। यहाँ के लोगों को सुविधाओं की थोड़ी कमी रहती है। अच्छी सुविधाएं हम देना चाहते हैं, जिनको हम दिल्ली से लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, सारा एंडोस्कोपी ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स, लेजर वगैरह, माइक्रोबोर्ड वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। एंड उसी के हिसाब से हमने प्रैक्टिस करने का सोचा था कि अच्छी सुविधाएं हम यहाँ के लोगों को दे पाए। ENT से रिलेटेड सभी ENT सर्जरीज, कान का आधुनिक तरीके से ऑपरेशन, एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी एंड सभी प्रकार के टेस्ट, ऑडियोमेट्री, हियरिंग एड, कान की सुनाई की जांच, सुनाई की मशीन प्रोवाइड करना, दांत के लिए एंडोस्कोपी अवेलेबल है, कान नाक गले में फंसी हुई वस्तुएं, बच्चे कुछ निकल जाते हैं कभी गलत चीज़ें तो उनको निकालने की सुविधा, और सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जिनसे हमें कान नाक गले की बीमारियों के बारे में पता चलता है, वो सब चीज़ें अवेलेबल है। उसके अलावा भी कई सारी सुविधाएं हैं जो कि हर चीज़ को लिस्ट नहीं किया जा सकता। बाकी कान नाक गले से रिलेटेड कोई भी बीमारी एक, और उसके साथ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पिंकी भी यहाँ पे अवेलेबल है, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के प्रोसीजर, सभी बीमारियों का इलाज, सब कुछ अवेलेबल है। यही रीज़न था हम लोग यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि शहरी इलाज पेरिफेरल एरियाज में गांव वगैरह के लोगों को मिल सके। हालांकि पलवल खुद एक शहर है, लेकिन इसके आस पास एसोसिएटेड गांव बहुत सारे हैं जिनमें बहुत देशी जनता रहती है, तो उन लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, क्वालिफाइड डॉक्टर्स से इलाज मिल सके, उन सब रीजन से हमने यहाँ पे खोला है। यहाँ के लोग खुश हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं वो खुश होके जाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, बीमारियों को समझने के बाद एक इंसान अच्छे से अपना इलाज कर सकता है, डॉक्टर का साथ भी देता है इलाज करने में, और उसे ज्यादा अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो ओवरऑल लोग यहाँ पे खुश हैं इलाज करा के हमारे पास आके, एंड काफी चीजें बताते हैं लोग, जिस प्रकार से यहाँ पे इलाज होता था, जिस प्रकार से होना चाहिए, वो सब चीज़ें हमें पता चल रही हैं। उन सब चीज़ों में सुधार लाना ही हमारा उद्देश्य है, इसी रीज़न से हम यहाँ पे आते हैं जी। जैसे दिल्ली में हमारी OPD फीस 500 रुपये है, हमने यहाँ के लोगों के लिए 300 रुपये ही रखी है। प्रोसीजर्स हैं वो 30-40% डिस्काउंट पे ही हम देते हैं। दवाइयों का जो खर्चा है उस पर भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है डिस्काउंट करते हैं। बाकी कोई गरीब इंसान यदि हमसे इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट हम अवेलेबल करा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, कितना हम उसमें मदद कर सकते हैं। था हर प्रकार से अवेलेबल है। यदि किसी इंसान को बीमारी ज़्यादा होती है तो उसे भर्ती करने की भी व्यवस्था है, OPD बेसिस पर ट्रीटमेंट का भी इलाज है, प्लस हम अपना फ़ोन नंबर वगैरह मरीज को दे देते हैं, जिससे कि मरीज ईजीली अपनी परेशानियों को हमें व्यक्त कर सके और हम उनका सोल्यूशन निकाल सकें। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ यहाँ के लोगों के लिए कि इलाज कराने में सावधानी बरतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, विश्वास भी उतना ही ज़रूरी है। सो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज करवाएं, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी सारी तरह की प्रैक्टिसेस हैं, सो वो सब अवॉइड होने चाहिए एंड इलाज सही प्रकार से मिलना चाहिए लोगों को। सो हमेशा जांच पड़